ऐसा समझिए कि ये इतिहास के उस काले पन्ने के बारे में है जिसके बारे में अक्सर लोग बात तक नहीं करते। मैं सच कह रहा हूं बेटा, ये इतिहास के उस काले पन्ने के बारे में है जिसके बारे में अक्सर लोग बात तक नहीं करते। वो वक्त जो इतिहास के पन्नों में मानवता का सबसे बुरा, सबसे खराब युग होने के हकदार है। आप जब 10th स्टैंडर्ड में थे तो आप लोगों ने एक यूनिट पढ़ा था, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इफ यू कैन रिमेम्बर, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको याद हो तो 10th में आप लोगों ने डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम का एक यूनिट पढ़ा था। वो यूनिट एक बच्ची एन फ्रैंक के बारे में था। अब ये एन फ्रैंक कौन थी और ये बच्ची एम्स्टरडेम कैसे पहुंची, ये बच्ची कौन थी और एम्स्टरडेम कैसे पहुंची, उसका अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप डर जाएंगे बेटा। मानव इतिहास के सबसे भयानक विलन, जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर, इस गंदी सोच वाले इंसान ने इंसानियत को खत्म करके रख दिया। आप जस्ट इमेजिन करिए, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस बंदे ने लगभग लगभग 4 करोड़ हत्याएं करवाई। यस, इट्स अ प्रॉपर नंबर, एक्चुअली मोर देन दैट। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? क्योंकि वो क्रिश्चियंस नहीं थे, अन्य धर्मों के लोग थे, चाहे वो ज्यू हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे हिंदूज हो, उनसे इसको नफरत थी और उनको मरवा दिया करता। कई सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए जर्मनी, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, स्विट्जरलैंड छोड़कर पोलैंड, ये सब कंट्री है, बुल्गारिया, ब्राजील, तो सॉरी ब्राजील बोलता हूँ, बेल्जियम, हंगरी, ये सब यूरोपियन कंट्रीज छोड़ के बेचारे भागकर पहुंच गए थे इंग्लैंड और नेदरलैंड्स, जिसे उस जमाने में हॉलैंड कहा जाता था। आज की कहानी उसी जगह ले जाती है। एक बच्ची अपनी माँ के साथ युद्ध के उस काले वक्त में, उस ब्लैक टाइम में अपनी माँ के साथ वहां थी, और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए एम्स्टरडेम से भी भाग गए, अपने घर से भाग गए। सालों बाद उस लड़की के मन में ख्याल आता है, वो सोचती है कि मेरी माँ कैसी लेडी थी, क्या थी, हमारा जीवन कैसा था, ये सब जानना चाहिए। और उसके पास निशानी के तौर पे क्या है? उसकी माँ ने एक दफा एक औरत से उस लड़की को, उस बच्ची को मिलवाया था। इस लड़की के पास बस उस लेडी का एड्रेस है। ये बच्ची अपनी माँ की जानकारी हासिल करने के लिए उस एड्रेस पे पहुंचती है, और क्या होता है आगे उसी की कहानी है आपके स्नैपशॉट्स का यूनिट नंबर 2, द एड्रेस। इसकी ऑथर है मार्गा मिंको। आइए थीम पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ पाइगनेंट अकाउंट। पाइगनेंट यहां पे शब्द दिख रहा है, पाइगनेंट, कैन यू सी दिस वर्ड पाइगनेंट ओवर हियर? पाइगनेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। पाइगनेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ अ मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर। युद्ध खत्म हो जाने के बाद ये बच्ची अपनी माँ के सामान को लेने के लिए पहुंचती है हॉलैंड, जिसे आज प्रेजेंट डे नेदरलैंड्स कहा जाता है। व्हेन शी फाइंड्स देम, द ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। इवोक मतलब पैदा कर देना, जीवित कर देना। हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व्स टू मूव ऑन। ये उन सब चीजों को छोड़ देती है और आगे बढ़ जाती है। बेटा चैप्टर 1 भी करवाएंगे, लेकिन मैं हर बार एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग नहीं जाता, मेरा काम थोड़ा अलग ही होता है। जो रेलेवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, वो पहले, ठीक है? ऐसा मत समझो कि चैप्टर 1 नहीं होगा, लेकिन मैं सीक्वेंस में नहीं चलाता कभी भी। जो मुझे अच्छा लगता है वो यूनिट पहले करते हैं। वहां पोर्ट्रेट ऑफ लेडी मेरा पर्सनली फेवरेट यूनिट है,
तो मैं हर बार वो लेता ही हूँ, लेकिन यहाँ पर कभी एड्रेस ले लेता हूँ, कभी यूनिट 3 भी ले लेता हूँ, इट हैपेंस, ओके, डोंट वरी, चैप्टर 1 विल बी डन। क्या कहती है ध्यान से सुनिएगा, डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड। ऑथरेस पहुंचती है उस लेडी के घर, और घर पहुंच गए दरवाजा नॉक करती है और उससे पूछती है क्या आप मुझे जानती हैं। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, जैसे वो किसी और को ढूंढ रही थी। शी हैड ओपन्ड डोर अ चिंक, दरवाजे को थोड़ा सा ही खोला था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं करीब आई और स्टेप्स पे खड़ी हो गई ताकि वो मुझे अच्छे से देख सके। नो आई डोंट नो यू, उसने इनको देख के फैसला किया कि भाई इसको मैं नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर, यहां पे आप देखेंगे तो अल्फाबेट एस दिया है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम स्कूल एग्जाम्स में, व्हाई द ऑथरेस हैज रेफर्ड हर मदर्स नेम विथ ओनली अ सिंगल अल्फाबेट, बिकॉज शी डजंट वॉन्ट टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ हर मदर। भाई क्यों किया है वो उसने ऐसा, क्योंकि वो अपनी माँ की रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. उस औरत ने दरवाजे को कुछ ऐसे पकड़ रखा था कि वो दरवाजे को खोलने नहीं देना चाहती थी। Her face gave absolutely no signs of recognition. उस औरत के चेहरे को देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मुझे पहचान रही है। She kept staring at me in silence. वो चुपचाप मेरी तरफ घूरती रही। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening. Sorry, आगे बढ़ते। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it isn't her. एक पल के लिए मेरे मन में ख्याल आया कि यार शायद मुझसे ही गलती हो रही है, ये वो औरत नहीं है। I had seen her only once. मैंने उसको जिंदगी में एक ही बार देखा था। Fleetingly, moving out quickly, जल्दी जल्दी जाना, उसको फ्लीटिंग कहते हैं। Fleetingly and that was years ago. सालों पहले उसको मैंने देखा था, तब भी वो जल्दीबाजी में थी, भाग रही थी। It was most probable that I had rung the wrong bell. पूरी पूरी गुंजाइश थी कि मैंने गलत दरवाजे पे नॉक कर दिया है। आगे सुनते हैं। The woman let go of the door and stepped to the side. उस औरत ने दरवाजे को छोड़ा और बाहर आ गई। She was wearing my mother's green knitted cardigan. अब कार्डिगन क्या होता है? Long woolen jacket. स्वेटर भी कह सकते हो। वूल का बना हुआ लंबा जैकेट। अब ऑथरस ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये पक्का वही औरत है जो मेरी माँ के पास आया करती थी। कैसे रिकॉग्नाइज किया? क्योंकि इस औरत ने ऑथरस की माँ का स्वेटर पहना हुआ था। ये पहचान गई कि ये मेरी माँ का है, समझे बेटा? तो यहां पे रिकॉग्निशन हो गया, पहचान हो गई कि भाई ये तो मेरी माँ का है। अब कोई डाउट नहीं, कोई शक शुबा नहीं। आई वॉज राइट, शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, सॉरी द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। दो दो के जो लकड़ी के बटन्स थे वो फीके पड़ चुके थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। उस औरत ने देखा कि मैं उसका स्वेटर देख रही हूं और वो दरवाजे के पीछे छुप गई। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मुझे पता चल चुका था कि मैं सही हूं। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, ये पूछती है, तुम मेरी माँ को जानती थी? तुम मेरी माँ को जानती थी? नव्या, कार्डिगन की मीनिंग मैंने दो बार अभी अभी बताई मेरी बच्ची, मैं फिर से बता रहा हूं, लॉन्ग वुलन जैकेट। थोड़ा सुनने पर ध्यान दो मेरे बच्चों, कार्डिगन शब्द की मीनिंग मैंने दो बार पढ़ के सुनाई थी आप लोगों को, लॉन्ग वुलन जैकेट, काइंड ऑफ अ स्वेटर आल्सो। आगे क्या कहती है ध्यान से सुनिएगा, वो पूछती है, हैव यू कम बैक, अब सब लोग वापस आ गए हो, सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन वुड कम बैक, मुझे लगा था कि कोई वापस नहीं आया। ओनली मी, सिर्फ मैं वापस आई। ये क्या कहती है? सिर्फ मैं वापस आई हूं, मेरे अलावा और कोई वापस नहीं आया। सो ओनली मी, सिर्फ मैं। ये पेज के अंदर आपको अगर कोई डाउट हो बेटा तो पूछो।
अगर कोई डाउट हो तो चैट में लिखो, और अगर डाउट ना हो तो हैंड रेस कर दो, बस बात खत्म। ओके, लेट्स सी, डाउट्स आए हैं, कुछ डाउट्स आए हैं, मुझे मीनिंग बतानी है। पैगनेंट शब्द का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और कार्डिगन मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, फिर से आप पूछ रहे तो मैं बता रहा हूं, लॉन्ग वुलन जैकेट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज, रास्ते में दरवाजे खुल रहे थे, एक दरवाजा खुला बिहाइंड हर, उसके पीछे से एक दरवाजा खुला, अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। यहां पे एक वर्ड है मस्टी, दिस रिप्रेजेंट्स टू मस्टर्ड, मस्टर्ड जैसी स्मेल उठी, अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, ध्यान से सुनिएगा, अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, मस्टी रिफर्स टू मस्टर्ड, सरसों। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, वो औरत क्या कहती है इनको, मुझे माफ करिए मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। ऑथर उसके उसको कहती है, आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं ट्रेन पकड़ के यहां पे आई हूं खास आपसे मिलने के लिए, मुझे एक पल के लिए आपसे बात करनी। वो कहती है, इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम। वो कहती है, मुझे माफ करिए लेकिन इस वक्त मेरे लिए आपसे बात करना मुमकिन नहीं है, फिर कभी आप आइएगा तो मैं आपसे मिलूंगा, इस वक्त मेरे लिए बात करना मुमकिन नहीं, एट दिस मोमेंट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टॉक टू यू, फिर कभी। आगे बढ़ते हैं। शी नॉटेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, उसने दरवाजा इतना शांति से खोला और बंद किया ताकि घर का कोई भी सदस्य डिस्टर्ब ना हो। I stood where I was on the step. मैं उसी जगह पर खड़ी रही जहां पे मैं थी। The curtain in front of the bay window moved. पर्दा थोड़ा हटा। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. किसी ने मेरी तरफ देखा और उसने शायद पूछा भी होगा उस लेडी से कि क्या चाहती थी ये? और इस लेडी ने कहा होगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। I looked at the nameplate again. Darling, it said in black letters on white enamel. Enamel एक तरह का बेटा केमिकल होता है, कलर के लिए, पेंट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। Enamel एक तरह का केमिकल होता है, इसका इस्तेमाल कलर के लिए किया जाता है। आपके घरों के दरवाजों के ऊपर जो पक्का कलर लगता है ना बेटा, उसको इनामल कहते हैं। टीवी पे एड भी आती है महेंद्र धोनी की, इंडिगो पीयू इनामल, तो एक तरह का कलर है। आगे सुनते हैं। एंड ऑन द जैम, अब ये वर्ड आपको थोड़ा परेशान करेगा क्योंकि ये नया है, मैं समझा रहा हूं कि जैम क्या है, सब लोग ध्यान से सुने, क्या होता है जैम? आपके दरवाजे के ऊपर एक लोहे की छोटी प्लेट लगी हो जिसके ऊपर आपके घर का नंबर मेंशन हो, उसको जैम्ब कहते हैं। अपार्टमेंट नंबर, बंगलो नंबर, फ्लैट नंबर, टेनामेंट नंबर, जो भी हो मेंशन हो उसको जैम्ब कहते हैं। एंड आयरन प्लेट यूज्ड टू मेंशन अपार्ट हाउस नंबर्स, उसको जैम्ब कहते हैं। अब इट हायर द नंबर, नंबर 46, उसके ऊपर नंबर कौन सा लिखा था, 46। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, I thought about my mother. जब मैं वापस जा रही थी तो मैं मेरी माँ के बारे में सोच रही थी। Who had given me this address years ago? मेरी माँ जिसने सालों पहले ये एड्रेस मुझे दिया था। It had been in the first half of the war. वो युद्ध के पहले आधे हिस्से में था। First half. World War II जो थी वो दो हिस्सों में लड़ी गई। 1939 to 1943 जर्मनी जीत रही थी। दुनिया भर में तबाही मचा रखी थी इन्होंने।
1944 से जर्मनी का हारना शुरू हुआ जब अमेरिका ने एंट्री ली, सेकेंड हाफ उसी को कहा जाता है, जब अमेरिका ने एंट्री ली और जर्मनी कमजोर पड़ा। ध्यान से सुनिएगा आगे की कहानी। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. मैं जब अपने घर पे थी, कई दिनों कुछ दिनों के लिए आई थी, तो मैंने देखा कि घर पे कुछ बड़ा बदलाव था। ये उस समय को याद कर रही है। She is trying to recall how her mother had introduced this young girl with the lady, Mrs. Dorling. I missed various things. वो जब घर आई थी अपने बचपन में, तो उनके घर पे कई सारी चीजें गायब थी। My mother was surprised I should have noticed so quickly. मेरी माँ तो ये सोच के सरप्राइज थी कि इतनी जल्दी मैंने कैसे अंदाजा लगा लिया कि घर के सामान में गड़बड़ है। Then she told me about Mrs. Dorling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance. Acquaintance मतलब known people, जाना व्यक्ति, जाना पहचाना व्यक्ति, close friend. तो कहती है मैंने कभी मिली नहीं थी, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि वो क्लोज फ्रेंड है, acquaintance है, जान पहचान की व्यक्ति है। आई रिपीट, acquaintance मतलब क्लोज फ्रेंड ऑफ माई मदर, whom she hadn't seen for years, she had suddenly turned up and renewed the contact. Since then she had come regular. अचानक से वो मेरी माँ की लाइफ में वापस आ गई थी, उनके कॉन्टेक्ट रिन्यू हो गए थे और अब वो रेगुलरली आने लगी थी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर, वो हर बार जब आती है तो कुछ ले जाती है। सेड माय मदर, शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक ही बारी में हमारी टेबल में पड़े हुए सिल्वर के सारे बर्तन, चम्मच कांचे सब लेके चली गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर वहां पे एंटीक प्लेट्स हमारी पड़ी रहती थी वो भी ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस, हमारे खूबसूरत वास थे। वास बेसिकली एक गमला होता है जिसमें आप पौधे लगाते हैं, वास उसी को कहते हैं, टेबल पे रखने का। एंड आई एम वरिड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, वो हमारे घर की क्रॉकरी भी ले गई। माय मदर शूक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने अपना सर निराशा में हिलाते हुए कहा, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, शी इवन इंसिस्टेड शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, इफ वी हैव टू लीव हियर वी शुड लूज एवरीथिंग शी सेज। आप यहां पे ध्यान पे समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे एक प्रिंट मिस्टेक है, ये जो लीव लिखा है ना बेटा, दिस इज अ प्रिंट मिस्टेक। यहां पे है लिव, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप अपने बुक में भी सुधारिएगा, ये सीबीएसई के द्वारा करेक्ट की जा चुकी है। तो यहां पे जो वर्ड है वो एक्चुअली लिव है, मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे जो वर्ड है वो लिव है, समझे बेटा, लीव नहीं है। इफ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज, यह इससे इंडिकेट होता है कि वो लेडी जो थी इनको ब्लैकमेल कर रही थी कि तुम सब ज्यू कम्युनिटी के हो और अगर तुमको यहां रहना है, जीवित रहना है, तो मुझे एक एक करके अपना सारा सामान दे दो, वरना बता दूंगी पुलिस को, जर्मन लोगों को, कि ज्यू कम्युनिटी के कुछ लोग यहां रह रहे हैं और मार दिए जाओ। और इसीलिए ऑथरेस की मां अपने घर का पूरा सामान इस अनजान औरत को देती चली जाए। यहां तक इस पेज में कोई डाउट हो तो फटाफट चैट में पूछो, डाउट ना हो तो हाथ ऊंचा कर दो, डाउट हो तो चैट में पूछो। कुछ लोग सिर्फ लेक्चर में टाइम पास करने आते हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है इसको, क्योंकि देखो इस वक्त लेक्चर में 17 बच्चे बैठे हैं, हाथ 6 बच्चों ने ऊपर किए हैं, डाउट 2 बच्चों ने पूछे हैं, बाकी सब क्या मेरा फोटो खींचने के लिए आते हो? हाँ, कुछ वर्ड्स की मीनिंग पूछी गई है, मैं बता दूं। नॉडेड का मतलब होता है सर हिलाना, लगिंग मीन्स लगेज ले जाना टू कैरी, जैम का मीनिंग मैंने बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एन आयरन प्लेट मेंशनिंग द नंबर ऑफ योर हाउस। कई बार आपने देखा होगा घरों के ऊपर एक
पत्रे की या लोहे की प्लेट लगी होती है जिसके ऊपर घर का नंबर लिखा रहता है, उसको खा। अब ऑथरेस को तो पता चल गया था कि उसकी माँ को ब्लैकमेल किया जा रहा था, अगर उन लोग को वहां रहना था तो फिर अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते। Have you agreed with her that she should keep everything? वो कहती है ऑथरेस अपनी माँ को कि तुमने अग्री कैसे कर दिया कि सब कुछ ले जा सकती है। As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that and think about the risks she is running each time she goes out of the door with a full suitcase or bag. वो बोलती है ऐसा बोलना इंसल्ट होगा, हमारी जान को खतरा होगा, और उसकी जान को भी खतरा तो है ही ना, वो इतना भारी भरकम बैग हर बार जब ले जाती तो क्या उससे पुलिस इंक्वायरी नहीं करती होगी। माय मदर सीम टू नोटिस दैट आई वाज एंटायरली नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। मेरी माँ पहचान गई कि मैं कन्विंस नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रीअप्रूविंगली, उसने मेरी तरफ देखा जैसे कि मुझे विश्वास दिला रही हो। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद हमने इसके बारे में बात नहीं की। स्टूडेंट्स मैं एक मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ पानी पीने के लिए, गला एकदम सूख गया है। तब तक आप रीड करिए, आई विल बी बैक विथ यू इन अ मिनट। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई एम बैक। गला एकदम सूख गया था, दैट्स व्हाई एक छोटा सा एक मिनट का ब्रेक लेना पड़ा बेटा, आई होप यू वोंट माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सोचते सोचते रेलवे स्टेशन पहुंच गए। कहती है मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट दैट स्टेशन। स्टूडेंट्स ऑडियो क्लियर है, प्लीज रिस्पॉन्ड इन चैट इफ यू कैन हियर मी। ऑडियो क्लियर है बेटा? थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब सुनिए क्या कहती है। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। रास्ते पे जो चीजें थी उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए मैं सीधी सीधी चलती रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। मैं उन जानी पहचानी जगहों पर वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार आई थी। बट आई डिडंट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। मैं कहीं पर भी डीप नहीं जा रही थी, सिटी को एक्सप्लोर नहीं कर रही थी, क्योंकि कड़वी यादें थी यहाँ। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. वहाँ पे मेरी कड़वी यादें थी और मैं उनको याद जिंदा नहीं करना चाहती। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again. अब ऐसा नहीं है कि Mrs. Darling उनके सामने आके खड़ी हो गई थी। ट्रेन में इनको बैठे बैठे अपनी माँ का चेहरा, उस Mrs. Darling का चेहरा वापस याद आने लगा। तो here she was actually memorizing, याद कर रही थी, remembering.
ध्यान से सुनिएगा. इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउनस्टेयर्स आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, अ वुमन विथ अ ब्रॉड बैक. दिस इज माई देयर इज माई डॉटर, सेड माई मदर. शी बिकॉन्ड टू मी. बिकॉन्ड, उंगली से किसी की तरफ इशारा करना. आई रिपीट, उंगली से किसी की तरफ इशारा करना. द वुमन नॉट डेड एंड पिक्ड अप अ सूटकेस अंडर द कोट रैक. उस औरत ने सर हिलाया. नॉट डेड, सर हिलाना. आई रिपीट, नॉट डेड मतलब सर हिलाना. आई रिपीट, नॉट डेड मतलब सर हिलाना. एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. एक रैक होता है, जैसे आपके घर पे हैंगिंग्स लगे होंगे, रैक्स लगे होंगे, जिसमें आप अपने कीचेन और बाकी सारे कपड़े, आपके दरवाजों के पीछे एक रैक लगा होता है जिसमें आप अपने हैंगर लगा होता है जिसमें आप अपने कपड़े टांगते, तो कोट रैक, कोट टांगने का रैक था वहां. शी वॉर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट. उस औरत ने ब्राउन कलर का कोट पहना था और ऐसी हैट पहनी थी जिसका कोई शेप नहीं था. Does she live far away? Authoress पूछती है अपनी माँ से, बहुत दूर रहती है. I asked seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. इन्होंने देखा था authoress ने कि कितना मुश्किल था उस औरत के लिए बाहर जाना, उसके हाथ में भारी भरकम बैग था. In Macaroni Street, said my mother, number 46, remember that. और इनकी माँ ने याद दिलाते हुए कहा था कि ये औरत Macaroni Street में रहती है और घर का नंबर है 46. और याद करने के लिए कहा. मैक्रोनी स्ट्रीट जगह का नाम है, इट्स नॉट अ वेजिटेबल. मैं जानता हूं आपके घर पर मैक्रोनी बनती है, लेकिन ये मैक्रोनी स्ट्रीट का नाम, सॉरी मार्कोनी है, माय मिस्टेक, मेरी पढ़ने की गलती है. मैक्रोनी नहीं है, मार्कोनी है, माय मिस्टेक, रियली सॉरी फॉर दैट. आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मुझे वो याद रह गया था. बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती थी वहां पर. इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी. I repeat, liberation शब्द का मीनिंग होता है फ्रीडम, आजादी. Once again, I repeat, liberation शब्द का मीनिंग होता है फ्रीडम यानी आजादी. I was absolutely not interested in all that stored stuff. Initially, तो मैं interested ही नहीं थी उस सामान में, मुझे नहीं मिले भाड़ में जाए. And naturally, I was also rather afraid of it. मैं डरी हुई भी थी. Afraid of being confronted with things that had belonged to a कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड. इस वजह से भी डरी हुई थी कि वो औरत मुझे पहचानने से इनकार कर दे, क्योंकि हमारा कोई कनेक्शन तो था नहीं. एक ही कनेक्शन पॉइंट था, वो थी इनकी माँ, वो अब थी नहीं. विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज इयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स. वो चीजें शायद बच गई होंगी क्योंकि वो चीजें थी, इंसान नहीं थी. इंसान इन तकलीफों को झेल ही नहीं पाए. सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में इंसानों को हिटलर ने मार दिया. इंड्योर्ड का मतलब होता है एबिलिटी टू सस्टेन और हैंडल पेन, दर्द को बर्दाश्त करने की ताकत, उसको कहते हैं इंड्योर. इंड्योरेंस बेसिकली शब्द है, इंड्योरेंस से बनता है इंड्योर्ड. इंड्योर्ड का मतलब होता है एबिलिटी और कैपेसिटी टू हैंडल पेन, दर्द को संभालने की ताकत. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. लेकिन समय बीतता गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर. ये एक प्रोवर्ब है बेटा. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर मतलब अब खाना अच्छा मिलने लगा था. देर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड. अनथ्रेटेंड मतलब बिना डर के. थ्रेट मतलब डर. अनथ्रेटेंड विदाउट फियर. आई रिपीट, थ्रेट मतलब डर, अनथ्रेटन मतलब बिना डर के. अ रूम विथ अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे. खिड़की के बाहर देखने की आजादी. एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वाज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस. और एक दिन मुझे ख्याल आया कि बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पड़ी होंगी, मुझे जाना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए, उन्हें छूना चाहिए, याद करना चाहिए. ठीक है, तो आज का हमारा यूनिट मैं यहां तक रोक रहा हूं. आप में से किसी को अगर कोई डाउट है तो चैट में पूछिए, डाउट नहीं है तो हाथ ऊंचा कर दीजिए.
डाउट है तो चैट में पूछिए, डाउट नहीं है तो हाथ ऊंचा कर दीजिए। चलिए, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने हाथ ऊंचा कर दिया, थैंक यू सो मच बेटा। आगे का कामकाज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो स्क्रीन शेयरिंग कर दिया है बंद, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, ठीक है। दैट्स ऑल वी हैव टुडे। ऐसे प्यार से अच्छे से पढ़ो ना तो मुझे बहुत मजा है। उस दिन जो नालायकी हुई ना वो बहुत गलत थी, इट वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन एंड दैट हैपेंड। एनीवेज, लेट्स नॉट रिमेंबर द बिटर मेमोरीज, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय फॉर नाउ।